सर, आप अर्जक संघ के जिला अध्यक्ष हैं। आज यहाँ पर 16वां जिला सम्मेलन चल रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गीता रुचका दिल्ली से चल करके आई हुई है। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? आपका स्वागत हमारे चैनल जी। आपका नाम? जी, मेरा नाम राम प्रकाश पटेल है। मैं इस समय अर्जक संघ बस्ती का जिला अध्यक्ष हूँ। और ये जो सम्मेलन है, पिछले साल 15वां जिला सम्मेलन था और इस वर्ष 16वां जिला सम्मेलन है। और अर्जक संघ की यह स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा रही है कि अर्जक संघ हर वर्ष अपने नए सदस्यों के चयन के लिए अपने कमेटियों का लोकतांत्रिक तरीके से गठन करता है या पूरी तरह से अपने आप को विश्वास में लेने के लिए उसके डेलीगेट बनते हैं और डेलीगेटों के द्वारा जिलाध्यक्षों का चयन होता है। इस प्रकार से अर्जक संघ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है और अर्जक संघ के 14 पर्व हैं। जैसा कि आप, हम समझते हैं कि आप पहली बार आए हैं, मीडिया के साथ ही हैं। अर्जक संघ के 14 पर्व हैं और उन्हीं पर्वों के माध्यम से अर्जक संघ अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाता रहता है, उसी में अपना सदस्यता चलाता है, उसी में अपने कार्यक्रम को चलाता है और तत्पश्चात उसको आगे बढ़ाता रहता है। ये 14 पर्व क्या है ज़रा बताएं? 14 पर्व ये हैं, जैसे हमारा अर्जक संघ देवी देवता पाखंड भूत भवानी इसमें विश्वास नहीं करता है। ये हमारे पर्व जो महापुरुषों की जयंतियाँ हैं, जो हमारे गणतंत्र दिवस हैं, स्वतंत्रता दिवस हैं और जो हमारे महान विभूति थे, जैसे रामास्वामी नायकर हुए, बाबा साहब हुए, सरदार पटेल हुए, ज्योतिबा राव फूले हुए, आज महापुरुष हैं, उनकी जयंतियों को हम लोग पर्व के रूप में मनाते हैं। और क्रम से अगर हम बताएं तो जनवरी पहला महीना हमारा पड़ता है, तो 26 जनवरी आता है तो वो हमारा राष्ट्रीय पर्व है, ये हमारे संविधान को लागू होने का पर्व है। दूसरा महीना आता है जनवरी के बाद फरवरी में तो नहीं है, लेकिन मार्च में आता है पहले मार्च को फसल, रबी की फसल उपजाने की खुशी में हम लोग उल्लास दिवस के रूप में उसको मनाते हैं। और तीसरा हमारा पर्व आता है महामना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिनके प्रेरणा से महामना रामस्वरूप वर्मा जी ने अर्जक संघ की स्थापना की, उनकी जयंती चेतना दिवस के रूप में पूरे देश में अर्जक संघ ही मनाता है। और यूँ कहें कि पूरे उत्तरी भारत में सबसे पहला अर्जक संघ ऐसा संगठन है जिसने महापुरुषों की जयंतियों को मनाने, पर्व के रूप में मनाने का कार्यक्रम शुरू किया। अम्बेडकर जी के बाद आ जाता है अप्रैल के बाद मई में आ जाता है 15 मई महामना गौतम बुद्ध जी की जयंती को मानवता दिवस के रूप में, ये पर्व के रूप में अर्जक मनाता है। और मई के बाद आता है जून, पहला जून 1 जून 1968 को महामना रामस्वरूप वर्मा जी ने अर्जक संघ की स्थापना की थी। इसी स्थापना के करने के कारण हर साल पहली दिवस को हम लोग पर्व के रूप में धूमधाम से इसको मनाते हैं। उसके बाद आता है जुलाई में हमारा कोई पर्व ऐसे तो नहीं है, लेकिन अगस्त आ जाता है, अगस्त क्रांति का महीना कहा जाता है। और क्रांति के महीने में महामना रामस्वरूप वर्मा जी जो अर्जक संघ के संस्थापक हैं, उनकी जयंती 22 अगस्त को हम लोग क्रांति दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर अगला महीना आ जाता है सितंबर में पेरियार ललित सिंह यादव जी हैं, उनकी जयंती मनाई जाती है। और 5 सितंबर को जो अर्जक संघ, जो महामाना रामस्वरूप वर्मा थे, उनके एक सहयोगी थे बिहार प्रदेश के, बिहार लेनिन जिन्हें जगदेव बाबू कहा जाता था, उनको 5 सितंबर के दिन कुर्था नामक ब्लॉक पर, जहानाबाद के कुर्था नामक ब्लॉक पर सामंतवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, उनकी शहादत दिवस हम लोग 5 सितंबर को मनाते हैं। हालांकि देश उसी दिन शिक्षक दिवस मनाता है, लेकिन अर्जक संघ के लोग पूरे देश में शहादत दिवस के रूप में बाबू जगदेव की पुण्यनिवार दिवस को मनाते हैं। ये तो जितने भी वो लोग मनवादी विचारधारा के लोग जो हैं, वो ऐसे ऐसे षड्यंत्र तो बना दिए हैं कि जब जब हमारे महापुरुषों की जयंती है उस दिन कुछ ना कुछ जुलूल रख दिए हैं। जिस दिन महापरिनिर्वाण दिवस में उस दिन हर उत्सव उल्लास वाली मनाते हैं। इनका जो है, हमारे महापुरुष थे पेरियार रामास्वामी नायकर
की जयंती को ये लोग सत्रह सितंबर को विश्वकर्मा पूजा के रूप में ये लोग कर दिए हैं, ताकि अर्जक कमेरा समाज अपने महापुरुषों को जान न पाए। देखिए अगला वो है, सितंबर के बाद आता है अक्टूबर। पहला अक्टूबर है लाभ दिवस। अक्टूबर में चूँकि किसानों की जो रबी की फसल है वो पक करके तैयार हो जाती है, तो वो किसानों के लिए बनाया गया लाभ दिवस। पहले अक्टूबर को अर्जक संघ लाभ दिवस के रूप में मनाता है। उसके बाद पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने वाले भारत शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को मनाई जाती है। उसे एकता दिवस के रूप में अर्जक संघ शुरू से ही मनाता चला आ रहा है। हालांकि सरकारों ने बाद में उनको एकता दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषित किया, एकता दिवस के रूप में उनकी जयंती मनाती है, लेकिन अर्जक संघ उससे पहले ही 1 जून 1968 से ही सरदार पटेल की जयंती एकता दिवस के रूप में मनाता आ रहा है। और तत्पश्चात अक्टूबर नवंबर, देखिए नवंबर 15 नवंबर है बिरसा मुंडा की जयंती है, वो भी हम लोग पर्व के रूप में मनाते हैं। 28 नवंबर है फूले जी का है शक्ति दिवस, फूले जी का परनिर्वाण दिवस है। और उसके बाद दिसंबर आ जाता है पेरियार रामास्वामी नायकर का जन्म दिवस 25 दिसंबर, उसको हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। इस प्रकार रामास्वामी नायकर 25 दिसंबर को उनका परनिर्माण है। हाँ, परनिर्माण दिवस है। जी सॉरी परनिर्माण दिवस है। इस प्रकार से हमारे पूरे वर्ष का चक्रीय क्रम ऐसे चलता रहता है। और तत्पश्चात हम लोगों को ये जो अर्जक संघ की जो सदस्यता है एक साल के लिए वो चलती रहती है, उसमें पूरी हो जाती है और तत्पश्चात नई कमेटियों के गठन करने का समय हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोग साल में एक बार निश्चित रूप से जिला सम्मेलन करते हैं। जिला सम्मेलन होने के बाद हम लोग सारी जिले में घूम घूम कर ब्लॉक कमेटियों का इसी प्रकार गठन करते हैं। चलिए, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद।